परमात्मा का सेवन पूजन भक्ति प्रार्थना ये सब करने लगे और आते हैं कि जिस समय भगवान कृष्ण ग्वालों जैसे लीलाए और करते हुए मन को मोहित करने वाली और बांसुरी जो है बजाते हैं और सभी जितने बछड़े गाय हैं गौ हैं सब कृष्ण जी के लीलामय में बस ध्वनि सुनकर बस चलने फिरने वाले जीव जो है बताते हैं जड़दायी हो जाते हैं एक कण रुक जाते हैं श्रवण करने के लिए और बताते हैं कि और ना चलने वाले वृक्ष आदि जड़ पदार्थ जो है चेतन ये सब समझ लेना यूं चलायमान हो जाते हैं कि हवा चलने लगती है जो भावरे हैं गुनगुनाने लगते हैं पत्तियां जो है छलछलाने लगते हैं यूं आनंदित हो जाते हैं सब कृष्ण के मधुर ध्वनि सुनकर और इस तरह से बताते हैं सैदाजी कथा के अंतर्गत सुखदेव जी बोले कि हे राजन इस प्रकार भगवान कृष्ण तो सखाओं और गौओं के साथ बस वन में विचरते रहते हैं और यहाँ पर आगे जो अध्याय पड़ती है कि किस तरह से एक बार श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ बस छेड़खानी कर रहे थे और क्योंकि कृष्ण जी को सब चाहते थे कि हमारे सामने कब आए और उनके साथ हम कुछ करवा दिखाएं अबले बोले सुखे हे मंत लखी ब्रजे कत्य निहर सारे अम्बा व्रत धारण किए हवि सयान कहां खाए राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। अब ऐसे है कि जैसे अभी थोड़ा पहले मैंने बताया कि व्रत धारण तो गोपियां भी ऐसे कृष्ण जी का जब तक दर्शन नहीं पाते हैं तब तक यूं समझ लेना व्रत रखते रहते हैं। जैसे हमारे में भी कई परिवार में होते हैं कि जब तक हम भगवान का सुबह नहा धोकर स्वच्छ होकर पूजन पाठ ना कर ले तो उससे पहले हम जलपान नहीं करेंगे। कई लोग होते हैं कि जाकर भगवान का पूजन कर लेते हैं ब्रश करके नहाते हैं ब्रश करके जाते हैं केवल पद्धति हाथ जोड़ते हैं फिर आकर चाय बनाते हैं फिर भोजन करते हैं तो नमन करते इस तरह से बताते हैं पहले हम भगवान का सेवन कर ले तो इस तरह से एक बार क्या होता है जमुना के किनारे कैसे जाते हैं पूजा जमुना के पास I'm
किसी को एक आदमी मंत्र पता लग जाता है घुमा घुमा कर वही बोलते रहते, बड़ा अच्छा है। मैं भी कई बार मौका देता हूँ जब हवन करता हूँ कि कुछ मंत्र आप जानते हैं तो बोलो, किस दिन के लिए सीख बैठे हो। तो मूल वस्तु का ये वाला जो है जितना गायत्री मंत्र सबसे ऊंचा मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है, सभी देवी देवताओं के कवच के अलावा। और श्री भगवान का त्रिंबक है जहां से गंदी पुष्टि सृष्टि रचना करने वाले, और ये सब ब्रह्मा जी का जो मंत्र है सब बोलो। और ये सब क्या करते हैं बताते हैं कि इस प्रकार भगवान कृष्ण को मन में लगाए हुए और उन्होंने एक मास भर देवी के व्रत पूजन किए। अब देखो यहाँ पर लिखा है एक मास वन मंथ। अब कभी कभी हम लोग नियम करते हैं तो कभी कभी होता है कि भैया संचय जरूर चढ़ाएगा तो अतवार के प्लीज सभा करो ना, बट कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा जो पूजा करने वाले भी जाते हैं रामायण के बाद में घरे हंडी में तो रखा रहे, परंतु मन जो है भगवान ने लगा। अब अपना कर्म करो तो कर्म का फल उसी तरह मिलता है उसका करना। कई लोगों का मैं पूजा कर रहा हूं तो बताते हैं क्या पंडित जी हमारा बोले कुछ ऊपर चढ़े नहीं है क्या है, बोले इतना दिन झूला भाई व्रत करता है, बोले हाँ बोले कल रात से व्रत करा। तो अब आगे राम जी तो बताते हैं कि मिले कृष्ण वर अभिलाषा करे प्रतिदिन कही गई करण परस पर, जिसका मन में कृष्ण जी भगवान का पाने की इच्छा हो तो प्रतिदिन भगवान का पूजन सेवन करो, कुछ नहीं तो सूर्य भगवान को देख लो, हे सूर्य भगवान हमारी मनोकामनाएं को सिद्ध करो। मनोकामना मतलब मन में जो कामना आया है वो परमात्मा पूर्ण करो। ये सूर्य भगवान जब तक चमके तब तक आपका जीवन में रोशनी है, तब तक भी आप जो चाहो मिलता रहेगा, अंधकार से निकालेगा सूर्य भगवान, ख्याल रखना। और फिर बताते उच्च सवर सब हरि गुण गावे और यमुना जल वहां जाए नावे, और यमुना के किनारे जाकर उच्च सवर में, क्योंकि ये भी बात एक बता देना चाहता हूँ कि कई लोग करें ये बातें, अगर आपको गला ठीक करना है गला का स्वर बनाना है तो कई लोग बातों में चिल्ला चिल्ला कर गाते हैं, ठीक है बंद जगह पर पहले